बाबा रामदेव योग गुरु हैं या व्यापार गुरु? करीब 35 साल पहले जो बाबा जेब में 50 रुपए लेकर घूमते थे, आज वो अकेले 1500 करोड़ के मालिक हैं। और उनकी कंपनी पतंजलि के तो कहने ही क्या, पिछले 10 सालों में ही कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़ के पार हो गया है। साल 2014 के बाद रामदेव के हाथ में ऐसा कौन सा चिराग लग गया जो अब हर दिन हजारों करोड़ रुपया छाप रहे हैं। साल 2012 तक बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का टर्नओवर सिर्फ 450 करोड़ था, जो मार्च 2016 तक बढ़कर 5000 करोड़ हो गया और साल 2023 तक 27000 करोड़ के पार। मतलब 2014 के बाद इतना क्रांतिकारी बदलाव। रामदेव सिर्फ योग के गुरु नहीं, व्यापार के भी गुरु हैं। आजकल साल 2021 में एलोपैथी को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर विवादों में है। विवाद जितना भी हुआ हो, लेकिन उनकी कंपनी को उतना ही जबरदस्त फायदा पहुंचा। साल 2000 की शुरुआत का वक्त, एक धार्मिक चैनल पर पेट घुमा घुमा कर रोज सुबह योग करने वाला ये चेहरा घर में तेजी से फेमस हो रहा था। लोग उनकी योग शैली से काफी ज्यादा प्रभावित थे। चर्चित होने से पहले वो राम किशन थे, अब योग गुरु बाबा रामदेव के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पतंजलि के को-फाउंडर हैं। साल 2021 कोरोना काल के दौरान बाबा रामदेव का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर स्टेरॉइड फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी पर बैन लग गया, इवरमेक्टिन पर रोक लग गई, बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हो सकता है इस पर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से ही हुई है। भले ही उनके इस बयान पर खूब विवाद हुआ हो, लेकिन उनके ब्रांड पतंजलि का भला कर गया। कोरोना और लॉकडाउन काल में भी कंपनी का टर्नओवर 11 गुना तेजी से बढ़ोतरी कर गया। आप भौचक्के होंगे ये जानकर कि पतंजलि के प्रोडक्ट दंत कांति का अकेले ही टर्नओवर 1000 करोड़ के आसपास का है। इस वीडियो में आप जानेंगे बाबा रामदेव और उनकी ब्रांड पतंजलि आयुर्वेद की पूरी कहानी। कभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, आज खुद टूथपेस्ट, मैगी, टॉयलेट क्लीनर जैसे प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं। जन्म 1968 में हुआ, बचपन में ही लकवा मार गया, चेहरे के बाएं हिस्से ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। साल 1977 में उनके घर एक साधु आए। राम किशन ने साधु से योग की एक किताब ले ली। इस किताब के मुताबिक अभ्यास करने से उन्हें काफी ज्यादा आराम मिला। साल 1985 में खानपुर में एक संस्कृत गुरुकुल ज्वाइन किया। संस्कृत, वेद, दर्शन, योग और आयुर्वेद में आचार्य होने के बाद 1990 में वो जिंद में एक गुरुकुल के प्रिंसिपल बन गए। 1991 में सब कुछ छोड़कर गंगोत्री चले गए। हरिद्वार में गंगा किनारे दो शिष्यों को योग सिखाना शुरू किया। उनमें से एक शिष्य ने उनकी मुलाकात गुजराती व्यापारी जीवराज भाई पटेल से करवाई। इन्हीं के जरिए वो सूरत पहुंचे और करीब 200 लोगों के लिए पहला योग कैंप लगा लिया। इस तरह के कैंप का सिलसिला लगातार चल पड़ा। 1995 में जीवराज पटेल ने 3.5 लाख रुपए दान किए। 1.5 लाख रुपए अन्य चाहने वालों से लेकर रामदेव ने दिव्य फार्मेसी और दिव्य योग ट्रस्ट की शुरुआत कर डाली। ये कनखल हरिद्वार में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर था। 2007 में रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की शुरुआत की। इस इवेंट में 15 मुख्यमंत्री आए थे। एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड 2009 में शुरू हुआ। इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसी जो एस्टेब्लिश कंपनीज थी उनमें उस वक्त बड़ी खलबली मचा दी थी। एक चर्चित न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल पर अगर गौर करें तो रामदेव ने 50 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी, जो अब करीब 500 प्रोडक्ट बन चुका है। 2014 के पहले जो केवल 50 प्रोडक्ट थे, 2014 के बाद अब 500 प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं। कंपनी का टर्नओवर कितना छप्पर फाड़ है, ये वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं। बस ये समझिए कि अकेले मोदी राज में बाबा के टर्नओवर में 25,000 करोड़ का इजाफा हो चुका है। साल 2011 में रामदेव ने अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन भी ज्वाइन किया था। इसके बाद 4 जून 2011 से रामलीला मैदान में उन्होंने अपना भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शुरू किया। आंदोलनकारियों के खिलाफ आधी रात को दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सलवार कमीज पहनकर भाग रहे रामदेव भी गिरफ्त में आ गए। साल 2014 के बाद से बाबा रामदेव एंड कंपनी की किस्मत जबरदस्त चमकती चली गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने फरवरी 2015 में योग से जुड़े एक चैरिटेबल ट्रस्ट की आय को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। इसका क्रेडिट भी रामदेव को ही दिया गया। 2017 में रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी थी,
उसके मुताबिक मोदी के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकारों के साथ लैंड डील में पतंजलि को 336 करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। पतंजलि ने करीब 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, ऐसा दावा था रूटर्स एजेंसी का। उन्होंने एक आर्टिकल विस्तार पूर्वक छापा था इसको लेकर। कुछ सियासी जानकार खुलकर यह भी बोलते हैं कि मोदी राज में उन पर जमकर कृपा हुई। अब जिक्र उनसे जुड़े विवादों का हो रहा है तो आपका तारुफ साल दर साल उनसे जुड़े कुछ खास विवादों से भी करवा देते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के आधार से साल 2004 में दवाओं में इंसानों की हड्डी मिलाने का उन पर आरोप लगा। साल 2007 में गुरु शंकरदेव आश्रम से अचानक गायब हुए थे, इस पर भी बाबा रामदेव ने काफी ज्यादा आरोपों का सामना किया। साल 2010 की बात की जाए तो उनके सहयोगी थे राजीव दीक्षित, अचानक से उनकी मौत हो गई थी, इसको लेकर भी रामदेव के खिलाफ काफी ज्वलंत आरोप लगे थे। 2011 की बात की जाए तो रामलीला मैदान में सबने देखा तस्वीर की किस तरह पेटीकोट पहनकर भागे थे रामलीला मैदान से। 2018 की अगर बात की जाए तो बाढ़ गंगा प्रदूषित करने का आरोप उन पर लगा। 2021 की बात की जाए तो एलोपैथी को दिवालिया साइंस बोल गए, जो आजकल ये विवाद बहुत ज्यादा चर्चा में। ऐसे तमाम विवाद बाबा रामदेव के नाम से जुड़े हैं। खैर दोस्तों, बाबा रामदेव के आध्यात्म और व्यापारिक सफलता को लेकर आपका नजरिया क्या कहता है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम निष्पक्ष और बेबाक खबरों से अवेयर रहने के लिए इंडिया डेली लाइव के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से यूं ही जुड़ रहे हैं। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।